माइक ऑन करो। लाल लाल कर दे। हो गया बोलो। हो गया चलो। पहले तो मैं सरकार ने जो अच्छे काम किए हैं, जो बहुत मुद्दत से, जब से सभी सरकारें मैंने देखी 67 से लेके अंत तक, चाहे वो बीजेपी के साथ की सरकार थी, कोलिशन की सरकार थी, सभी जगह एक ही बात होती थी कि किसी का एमएलए एमपी या कोई चीफ मिनिस्टर या उसका कोई आदमी अगर कोई होता था तो उसको नौकरी लगती थी। हर एक में चलती थी लिस्टें, चाहे वो कोई यूं कहे बीजेपी की सरकार हमारी कोलिशन की थी उसमें नहीं चलती थी, कांग्रेस वाले कहें या लोक दल, एक रिवाज था। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने पहली बार ये जो मेरिट का सिस्टम चलाया है, ये बड़ा गजब का सिस्टम है। जो आदमी पहले समय में कभी सिपाही लगने की भी बड़ी मुश्किल से सोचता था, वो बड़े बड़े पदों पर लगे हैं, और अनेक गरीब घरों के बच्चे, घरों में एक अजीब तरह की खुशी है कि भी पहला राज ऐसा है जिसमें बच्चे, पहले बच्चे बसों में कूदते फिरा करते, किलकी मारते फिरा करते, लेकिन अब बच्चे पढ़ने लगे, सारे बच्चे कोचिंग सेंटरों में चले गए। ये सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके अलावा सरकार का जो विशेष काम है, जो मुझे लगा बीसीए के लिए, असली बैकवर्ड के लिए जो पंचायतों में म्यूनिसिपल कमेटियों में जो रिजर्वेशन किया, ये बड़ा ही नायाब फैसला है सरकार का, बहुत अच्छा फैसला है। उसके अलावा जो बेचारे 35-35, 40-40, 45-45 साल के हो गए और बेचारे रिटायरमेंट की तरफ चल पड़े, कुंवारे मरेंगे, उनके लिए जो मुख्यमंत्री जी ने 40 साल एंड अबव के लिए 3,000 जो पेंशन की है, ये भी बड़ा गजब का फैसला, बड़ा अच्छा फैसला है, और पेंशन भी हमारे प्रदेश में सबसे ज्यादा है। उसके अलावा ड्राइवर की पीए की बहुत बुरी हालत थी, वो भी बड़ा, यहाँ एमएलए का विशेष तौर से 20-20 हजार बढ़ा, ये अच्छा फैसला किया। और सुभाष चंद्र बोस जी जो थे, उनके नाम पे जहाँ सांप घूमया करते थे एमएलए हॉस्टल के सामने, वो आज बड़ा बहुत अच्छा पार्क है जहाँ हम सब लोग टहल लेते। मैं कितनी ही बातें बताऊं, सरकार की अनेक उपलब्धियां हैं, लेकिन मैं बता नहीं पाऊंगा क्योंकि समय की सीमा है। और मोदी जी ने जो काम किए हैं वो तो कोई माई का लाल सोच भी नहीं सकता था। 370 धारा हटाना, लोग कहते थे खून की नदियां बह जाएंगी, 3 तलाक हटाया, हमारी बहन बेटियां मुस्लिमों की बड़ी जलील जिंदगी जीती थी और उनको एक बहुत ही खुशनुमा जिंदगी दी है। मोदी जी ने जो 3 तलाक का कानून जो खत्म करा दिया, कानून बना के, बहुत बड़ा फैसला है। राम मंदिर का निर्माण और अनेक चीजें मोदी जी ने की है, वो एक युग पुरुष कहलाएगा, मैं उसकी तारीफ करे बिना नहीं रह सकता। बहुत से लोग मुखालफत के लिए मुखालफत करते हैं, अच्छी बात नहीं है। उसके अलावा मैं सरकार का कुछ समस्याओं की तरफ विशेष ध्यान दिखाना चाहता हूँ। ईबीपीजी के सीखे बच्चे, अनेक बच्चे लग गए, लेकिन 159 बच्चे, 159 जिसमें 103 टीजीटी टीचर हैं, कोई स्टेनो है, कोई कुछ है, इस तरह की नौकरियां हैं। एक आध तो बेचारा खुदकशी करके, सरकार का कोई ध्यान नहीं है उसकी तरफ। मैंने कई बार कहा खट्टर साहब को, कई बार कहा खुल्लर साहब की भी जिम्मेवारी पिछली बार लगाई थी, खुल्लर साहब तेरा बड़ा एहसान बंद होगा सारी जिंदगी के लिए, इन बच्चों को रोजगार दिला दे, भाई खुदकशी करने लग रहे हैं बच्चे। सरकार का ध्यान इस तरफ देने की बहुत सख्त जरूरत है। उसके अलावा हुड्डा साहब ने लगाए थे 2006 में, ये बेचारे डिग्गी के पानी पीने वाले, इसमें कुछ इम्प्लाइज, तो वो आज तक भी कच्चे फिर रहे। 17 साल हो गए, वो सरकार चली गई 8 साल और ये सरकार चली गई। मेरा खट्टर साहब से आग्रह है, भाई इनको पक्का करो बेचारों को, बहुत से बेचारे ऐसे कुत्ते की मौत मरेंगे। तनख्वाह कुछ भी नहीं है, 10-10 हजार, 11-11 हजार, किसी के 15 हजार कौशल में चले गए, कुछ लोग कौशल में नहीं गए। उसके नहीं ऐप अभी नहीं, आपका हमारा कॉल था। दूसरी बात, मैं जो बात कहूंगा सारी कीमती बातें, मेहरबानी करके मुझे बाद में मत देना टाइम, मुझे अभी दे दो बस। उसके अलावा हमारे में कुछ प्रॉब्लम मेरे हल्के की है, बास गांव बहुत बड़ा गांव है, उसमें पीएचसी है, उसमें कोई डॉक्टर भी नहीं है, बहुत बुरा हाल है। सीएचसी होनी चाहिए वहां, और पानी इतना गंदा पानी भर जाता है, 4 एकड़ जमीन को एक्वायर करते करते 6 महीने से भी ऊपर टप गए, लेकिन किसी का ध्यान उस तरफ नहीं है। मैं सरकार का ध्यान उसकी तरफ दिलाना चाहता हूँ। 26 एकड़ जमीन जोड़ लिख क्या सिर्फ क्षति मंदिर के नाम, और वो यूं की यूं खाली पड़ी है, लोग कब्जा करे, बहुत बुरा हाल है।
इसी तरह तरह से एक बिल्कुल गांव के बीच में एक जोड़ है, दलदल है, उसमें उसमें भी जोड़ लिख रखा है, एक सिर्फ ताऊ देवीलाल के नाम से एक सिर्फ हॉस्पिटल बना है बस, और सारा यूं का यूं खाली एक धर्मशाला बना हुआ थे, कहने लगे जोड़ है, ऐसे ना करो, टाइम हो गया, ऐसे ना करो, आपका हमारा वास्ता ज्यादा काम खराब हो जाएगा, फिर मत देना टाइम। मैं बहुत कीमती बातें, दूसरी बात एक सेकंड, दूसरी बात एक मिनट के लिए एक बात और बता, दूसरी बात एक मिनट सुनिए, ये बहुत बातें रहेगी मेरी, बहुत जरूरी बातें। एक मैं ये बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ खापे हैं, छह खाप मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, चार खाप ऐसी हैं जिनमें आपस में रिश्ते नहीं होते, और दो खाप ऐसी हैं 24 सी और हमारी रोगी की जिसमें आपस में रिश्ते होते हैं। हमारे एक गांव है, अनेक गांव ऐसे इस वक्त गड़बड़ चल रही है, पुठी गांव में एक बच्चा ऐसी बरादरी का, बरादरी नहीं बताना चाहता, एक बेचारा बैकवर्ड क्लासेस का, उसकी बेटी थी, गांव की गांव में पुठी गांव में शादी कर ली, उन्होंने गांव वालों ने इकट्ठा होकर कहा कि भाई ये जुल्म कर दिया तूने, हम तो सतरोल की हर बेटी को अपनी बेटी मानते हैं, 36 बरादरी की, तूने शादी कर ली, गांव छोड़ जाओ। उनके खिलाफ SC ST का मुकदमा दायर हो गया, 3.5 साल की कैद राजू पन्नू और 3.5 साल की वो बच्ची बैकवर्ड क्लासेस की जांगड़ा समाज की बेटी, उसके पिता को 3.5 साल की कैद। SC ST का जो मिसयूज हो रहा है, मेरा सरकार से आग्रह है उसको रोक दो, मैं नहीं कहता इसको खत्म करो, जहां जरूरी है कोई जुल्म करता है जालिम है उस पर लागू करो, लेकिन ये मिसयूज रोको। और कई अफसर ऐसे जिनसे भयभीत होके DSP कहता है, मैंने पूछा रे मगर इतना गलत कर रहे हो, कहता है जी तो ये अफसर मारेगा, मेरे पे SC ST लगा दे, ऐसे अफसरों को मत लगाओ IG, ये भाई आज की किस्म के अफसर है जो आपका आपस का भाईचारा बिगाड़ते हैं। उसके अलावा एक सेकंड सिर्फ, तलवंडी राणा गांव है, आज 380 दिन हो गए, 3 किलोमीटर जमीन और रोड बना दी, कर दी, इतना बड़ा जुल्म के रखे वहाँ, हर मिनिस्टर रोड बना दी, वहाँ रोड सारे देखते नहीं बनाई, 3 किलोमीटर बची हुई है वो किसी और लोग ने कुछ तो कहती थी खट्टर साहब तो मेरे मोसे लगते हन, अरे खट्टर साहब तेरे मोसे लगते है तो क्यों नहीं करता खट्टर, मैंने खट्टर साहब को पहले कहा था खट्टर साहब जुल्म मत करो इतना, ये बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हो। उपाध्यक्ष महोदय,